एक बहुत ही इजी और बहुत सुंदर गला बनाना सिखाएंगे। इसके लिए मैंने ये बुकरम लिया है। बुकरम की चौड़ाई मैंने 10 इंच लिया है। इसको मैंने फोल्ड कर लिया है, ये देखिए, और लंबाई में भी मैंने ये 10 इंच लिया है। लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है, तो इसको मैंने एक साइड से फोल्ड कर लिया। पहले हम गले की ब्रॉडनेस लगाएंगे, गला कितना ब्रॉड रखना है आपने। ये गले की ब्रॉडनेस है हमारी 2.25 इंच हमने लगाई है, और जो गला डीप रखना है वो हमने 8 इंच रखना है। ये देखिए, यहाँ से 2.75 और 8, यहाँ पे हम एक निशान बना लेंगे। तो इधर हम एक लाइन खींचेंगे 8 से सीधी, यहाँ पे अब हम 2.75 का निशान लगाएंगे और एक यहाँ पे हम बॉक्स बना देंगे। ये हमारा इस तरह बॉक्स बन गया। अब हम गले की शेप लगाएंगे। गले की शेप हमने थोड़ी सी वी लगानी है, हल्की सी, इस तरह हमने वी लगा लिया। उसके आगे अब हम 1.25 इंच और ले लेंगे। ये देखिए, ये यहाँ से अब हम 1.25 इंच का निशान एक और लगा लेंगे। उसको भी हम ठीक ऐसा करेंगे कि आगे अगर हम चलाएंगे इसको निशान को, तो कम ज़्यादा हो सकता है। तो आप क्या करें, 1.25 इंच का निशान नीचे लगाया है, तो आप 1.25 इंच के पहले इस तरह निशान लगा लीजिए कि आपकी जो ये चौड़ाई है ये कम या ज़्यादा ना हो। एक टॉप पे लगा लें, तो ये देखिए इस तरह हम इसे ये इस तरह हो जाएगा। अब ये हमारा पैटर्न बनेगा, गला हमारा यहाँ कटेगा। अब गले के लिए हम ये एक निशान और लगा लेंगे। अब हम पहले गले की साइड कट करेंगे। ये हमारा गला शर्ट के ऊपर बनेगा पहले, फिर ये हमारा बीच में पैटर्न यूज होगा। ये हमारा पैटर्न है बीच वाला। अब ये हमारा वेस्ट है, इसे हम यूज नहीं करेंगे। अब आपको मैं दिखाती हूँ, ये हमारा गला हो गया, ये हमारा बीच वाला पैटर्न हो गया। अब हम पहले ये वाला बुकरम का पीस, इससे गला बनाएंगे। अब हमने ये बुकरम को कपड़े पे अटैच कर लिया है। कपड़े पे अटैच करने के बाद हम इसे यहाँ पे शर्ट पे बनाएंगे कि पहले गले को। तो गले शर्ट का ये सेंटर है हमारा, यहाँ पे हमने कट लगाया हुआ है। पहले आप एक सीधी सिलाई लगा लें सेंटर से, सेंटर मिलाने के बाद। अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अब ये हमारा गला, ये देखिए, बन गया है। अब हम इसके साइड में गोल्डन कलर की पाइपिंग लगाएंगे। तो ये मैंने पाइपिंग के लिए ओरे पट्टी काट ली है, तो इसे अब हम यहाँ रखेंगे। ये हमारी सीधी है और शर्ट हमारी उल्टी है, आपने इस चीज का ध्यान रखना है। बिल्कुल आपने एक एक पॉइंट की सिलाई लगानी है, ज्यादा नहीं लगाएंगे क्योंकि पाइपिंग हमने ब्रीक निकाल ली है।
अब हमने ये पाइपिंग के लिए पट्टी लगा ली है गले पे, अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इस तरह हमारी ये पाइपिंग निकलेगी। अब बीच बीच में हमें कट्स लगाने पड़ेंगे क्योंकि गले में हमारी गोलाई है। इस तरह हम बीच बीच में कट्स लगा देंगे और ये अच्छी तरह फोल्ड हो जाएगी। ये देखिए, ये हमारा गला पाइपिंग लगकर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इस पे पैटर्न बनाएंगे। पैटर्न बनाने के लिए हमने ये शर्ट का कपड़ा लिया है, तो इसके जो सेंटर में हम गैप रखेंगे वो 5.5 इंच का रखेंगे। 5.5 इंच का गैप हमारा ये रहेगा और इसको हम इधर जोड़ देंगे। अब हमने इसे इसके ऊपर बिल्कुल अच्छी तरह फिक्स करना है। एक किनारे पे सिलाई लगाएंगे हम। इस तरह हमने सिलाई लगाई और अब हम बाहर की तरफ भी सिलाई लगाएंगे। अब हम थोड़ा कपड़ा छोड़ के 1/2 इंच कपड़ा छोड़ेंगे बाहर की तरफ। 1/2 इंच कपड़ा छोड़ के हम इसे कट कर लेंगे। और अंदर वाली साइड हमें बिल्कुल कपड़ा नहीं चाहिए, अंदर वाली साइड हम बराबर कट कर देंगे। अब ये हमारा पैटर्न इस तरह बन गया है। अब हम इसे उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद इस पे हम निशान लगाएंगे सेंटर का। ये हमने सेंटर का निशान लगा लिया। अब इस पे हमने डिजाइन बनाना है। ये मेरे पास गोल्डन कपड़ा है तो इसको मैंने 2x2 काट लिया है। ये हमारा जो स्क्वायर है ये 2x2 का है। इस तरह हम इसे रखेंगे और इस तरह बना लेंगे। अब हमने इसे इस तरह रखना है। पहले हम इस पे एक सिलाई लगा के इसको फिक्स कर लेंगे कि बाद में जब हम इनको बनाएं तो ये हिले ना। इसको आप 8-10 पीस इस तरह के बना लीजिए। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपने पहले 2x2 का ये लेना है, इसको आपने एक बार फोल्ड कर लेना है ट्रायंगल, तो एक ट्रायंगल और फोल्ड कर लेना है। डबल ट्रायंगल हो गया ये फोल्ड। अब आप इसे यहाँ रख के इसी तरह आपने बना लेनी है। अब हम इस पे ये डिजाइन जो हमने बनाया है इस पे रख के सिलना शुरू करेंगे। ऊपर से हम 1/2 इंच कपड़ा छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ से ये हमारा शोल्डर में अटैच हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से इसको सिलना शुरू करेंगे। आपके पास ये सिलाई आई हुई है पहले, जो आपने पहले नीचे से लगाई थी, तो वहां से आपने उसके ऊपर सिलना है। अब आपने एक सिल दिया, एक रख लिया, तो सेकेंड को जब यहाँ पे एक सेकेंड खत्म हो रहा है तो ये फर्स्ट वाला खत्म हो रहा है, सेकंड आपने रख लेना। ये आपने बड़ा धीरे धीरे लगाना है क्योंकि इसमें कोई इसमें गुलाई आएगी हल्की सी सिलाई में, तो इसमें झोल नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। इससे थोड़ा नीचे होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हम पाइपिंग लगाएंगे। ये देखिए, ये हमने ऊपर से थोड़ा गैप छोड़ के लगा दिए और ये हम बाद में कट कर देंगे। अब हम यहाँ से सिलाई उठाएंगे
और अब हम इधर से शुरू करेंगे सेकंड वाली साइड से। ऐसे ही लगाने हैं आपने, ये छोड़ देना है आधे इंच का गैप ऊपर से पहले, फिर आपने लगाने शुरू करने हैं। उसी तरह लगाने हैं, ये ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा हमें छोड़ना है, यहाँ पे हमारी पाइपिंग आएगी। अब हमने ये सारी पट्टियाँ लगा ली हैं इस तरह डिज़ाइन जो हमने बनाया था। अब क्या करेंगे, ये हम गोल्डन कपड़ा लेंगे, इसके ऊपर इसको उल्टा रख लेंगे इस तरह। इसका पाइपिंग लगाने का ईजी भी है और साथ में पीछे आपकी तरफ ये पीछे वाली साइड कपड़ा भी आ जाएगा। तो इसे आप इस तरह रख लीजिए और इसको सिलना शुरू करें। आप बुकरम पे सिलोगे, आप बुकरम के नीचे नहीं सिलना आपने, इसे आपने बुकरम के ऊपर सिलना है। लाई आपकी इक्वल आनी चाहिए बिल्कुल। अब आपने यहाँ पे सीधा कर लेना है पहले इसे अच्छी तरह, फिर आप यहाँ से सिलाई लगाएं। अब आपने सेंटर का कपड़ा कट करना है, बाहर वाला कपड़ा अभी कट नहीं करना, बाद में काटेंगे हम इसे। ये बीच का कपड़ा हमने कट कर दिया और यहाँ पे हमने छोटे छोटे कट्स लगा दिए कि ये उल्टा हो जाए अच्छी तरह। अब हम इसे ये वाला जो कपड़ा है हमारा गोल्डन, हम सारा अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे जो भी है हमारा, और अब हम यहाँ से इसे इस तरह सिलेंगे। ये हमारी पाइपिंग निकल गई है और नीचे की तरफ कपड़ा भी आ जाएगा। कपड़े को आप इस साइड खींचोगे तो आपकी सेटिंग आ जाएगी पाइपिंग की। ये देखिए, ये आपकी पाइपिंग बहुत अच्छी तरह लग चुकी है। अब आपने ये कपड़ा यहाँ से कट कर देना है, एक्स्ट्रा है जो आपका, साथ साथ आपने कपड़ा रखना है, बाकी का कपड़ा आपने सारा काट देना है। ये जो पैटर्न का एक्स्ट्रा कपड़ा है आपको इसको कट करने की जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ पे एक सिलाई लगा दीजिए इसको रोकने के लिए कि जब हम पैटर्न को जोड़ेंगे उसमें शर्ट में तो ये हिलना नहीं चाहिए। ये देखिए, ये कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा है ऊपर पैटर्न से, ये हम कट करेंगे। यहाँ भी एक्स्ट्रा है थोड़ा सा, इसे भी कट करेंगे। ये पैटर्न अब हमारा बराबर आ गया है। अब हम इसे शर्ट पे अटैच करेंगे, तो शर्ट का पीस हमारे पास ये है, तो इसको अब हम यहाँ पे रखेंगे पहले। ये देखिए, ये हमारा सेंटर है, सेंटर पे रखेंगे पहले, फिर अब हम इसे इस तरह रख के देख लेंगे। ये हमारा अच्छी तरह बिल्कुल सेट आना चाहिए। अगर तो आप यहां से चला के मशीन सेट कर सकते हो तब तो आप ऐसे कर लें, अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप यहां से भी सिलाई शुरू कर सकते हो। यहां से सिलाई इस साइड लगाएं, इस साइड लगाएं, जो अगर आपका थोड़ा बहुत ऊंचा बड़ा नीचा हो रहा है तो आप उसे कट कर सकते हो। अब हम यहां से इसको पहले थोड़ी फिनिशिंग दे देंगे, ये हमारा थोड़ा सा ज्यादा है ऊपर की तरफ, और यहां से सिलाई है जहाँ पे पैटर्न की वहां पे इसको सिलना शुरू करेंगे। ये जो खराब था सारा बाहर का, वो सारा छुप जाएगा पीछे की तरफ। अब आपने यहाँ पे सेंटर में ला लेना है पहले। अब हम यहाँ से सेंटर से सेंटर मिलाएंगे। अब हम ऊपर की तरफ सिलना शुरू करेंगे। ये जो धागे हैं सब अंदर की तरफ आपने कर देने हैं। देखिए, ये हमारा बहुत ही सुंदर और बिल्कुल साफ सुथरा गला बनकर रेडी हो गया है।
अब हम इसमें थोड़ा सा काम और करेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमने इस गले में, यहाँ देखिए हमें खाली खाली फील हो रहा है थोड़ा सा, तो अब हम यहाँ पे एक बटन रख देंगे। आप कोई भी अच्छा सा बटन ले आए वो लगा दें। अब आपने क्या करना है, छोटे छोटे मोती लेने हैं। ये मेरे पास गोल्डन कलर के हैं, आपके पास जो भी जैसा भी आपका डिजाइन होगा आप उस हिसाब से ले लीजिए कलर के। तो आपने पहले बटन तो चलो हम बाद में अटैच कर देंगे। ये देखिए ये उठेंगे जब हम पहनेंगे, तो ये उठने नहीं चाहिए। तो इनको हमने क्या करना है, यहाँ पे पीछे से सुई लेनी है इस तरह, और एक मोती लेना है, मोती को इसके अंदर डाल के पीछे से फिर सुई इसी तरह निकाल देनी है। तो इस तरह हम मोती लगा देंगे इसके ऊपर, कि ये हमारा जो गला है, ये पैटर्न जो लगे हैं हमारे छोटे छोटे, ये उठे ना। इस तरह हमने ये पूरे पूरे इसमें लगा देने हैं गले में। अब हमने दूसरे में देखिए इसी तरह, मैं आपको दो लगा के बता रही हूँ, बाकी आप अपने आप लगा लें। ये इस तरह रखेंगे, मोती के अंदर से सुई डालेंगे दो बार, दो तीन बार आप टांका लगा दीजिए, ये खुलना नहीं चाहिए। देखिए इस तरह ये मोती ऊपर आ गया इसके, और आपने इसको पीछे की तरफ दो तीन टांके लगा देने। अब हम आपको बटन का भी दिखा देते हैं। ये बटन हम यहाँ पे रखेंगे, और यहां से पहले हम सुई निकालेंगे, और यहां से ये बटन के अंदर से निकाली, फिर अब हम यहां से निकालेंगे। देखिए यहाँ पे ये हमारा फिक्स हो जाएगा। ये टांका हमने दो तीन बार लगाना है, ये वाला भी, कि बटन हमारा खुले ना, क्योंकि आजकल हम वॉशिंग मशीन में कपड़े धो लेते हैं तो उसमें ये सारे चीजें खुल जाती हैं। ये देखिए ये हमारा गला बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हमने ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने एक एक छोटे छोटे बीड्स लगाए थे इनके ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।